हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक रेस्टेंस यूजिंग अ टंगस्टन टारगेट इन एक्सरे जनरेटर, द एक्सिलरेटिंग वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन एंड द एनर्जी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इज। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इंटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन टंगस्टन इज 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर अ टाइप ऑफ एक्सरे, टाइप ऑफ एक्सरे दैट आर एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स आउटर सेल फिल्स अ वैकेंसी इन इट्स इनर सेल इनर सेल। ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। एंड दूसरा जो हमारा की कॉन्सेप्ट है, तो वो है हमारा जो दूसरा है वो है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एक्सरे, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एक्सरे क्या है हमारा? द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस आर मोर लाइकली टू इंटरैक्ट विद द एक्सरे फोटोन इफेक्टिवली शील्डिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम इट्स डायरेक्ट इम्पैक्ट। तो ये होता है हमारे पास दिस स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एक्सरे। अब यदि हम की फैक्टर की बात करें, जो की फैक्टर्स ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि हमें फॉर्मूले में भी लिखना है, तो की फैक्टर्स ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट
तो फर्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जेड, एंड सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एंड थर्ड है हमारा एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, एनर्जी ऑफ एक्सरे, एक्सरे फोटोन, एक्सरे फोटोन। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे यूजिंग अ टंगस्टन। टंगस्टन एक मटेरियल होता है जिसकी अपनी एक एटॉमिक नंबर होते हैं। टंगस्टन टारगेट इन एन एक्सरे जनरेटर, द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन एंड द एनर्जी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इज। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो है हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारा है कि जो हमारा फॉर्मूला है वो है 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर अल्फा जेड माइनस वन का स्क्वायर एंड 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सरे होता है, एक्सरे कब प्रोड्यूस होता है? तो जब ट्रांजिशन होता है हमारे टंगस्टन से n इज इक्वल टू 2 है हमारा ये, एंड n इज इक्वल टू 1 है। तो 1 से जब 2 में, 2 से 1 में जब हमारा ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तब हमारे जो एक्स रेज होती है वो प्रोड्यूस होती है, एक्स रे हमारी प्रोड्यूस होती है। तो हम यहाँ पास लिख लेंगे कि जो हमारा ये हमारा है 1 बाय n1, तो यहाँ पास हम n2 का स्क्वायर लिख देंगे n। तो हमने ट्रांजिशन देख लिया कि n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू जब 1 में होता है तब हमारा जो एक्सरे होता है वो प्रोड्यूस होता है, एंड ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब बात आती है हमारी, तो एक और रिलेशन होता है एनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ E इज इक्वल टू होता है हमारे पास SC बाय लैम्डा। तो यहाँ से यदि हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू SC बाय E, ये आ गया। तो हम इसके इक्वल में ये लिख सकते हैं, इसके इक्वल में लिख सकते हैं SC बाय E, ये हो जाएगा हमारे पास सॉरी यहाँ पास आएगा हमारे पास ये आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास E बाय SC, यहां से आ जाएगा हमारे पास E बाय SC, ये आ गया हमारे पास, क्योंकि यहां से हमारे पास आ गया E बाय HC, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन है, तो N1 की जगह 1 रखेंगे, N2 की जगह हम कितना रखेंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाय लैम्डा। तो हमारे पास E1 जो है एनर्जी, E1 बाय SC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R अल्फा जेड माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2 मीन्स 1 बाय 4। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये, यहाँ पास हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू आर अल्फा जेड माइनस 1 का स्क्वायर 4 3, तो 4 में से बन गया 3 3 बाय 4, ये आ गया। हमको ना इस क्वेश्चन नंबर नाम देते हैं इसको सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक चीज और गिवन है कि बाइंडिंग एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन टंगस्टन इज 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए यदि हम देखें एनर्जी टू की बात करें, बाइंडिंग एनर्जी हमें गिवन है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो गिवन है हमें इनर मोस्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी होता है कि
इनर मोस्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज इनर मोस्ट सेल है हमारे पास ये, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, इसमें यदि इलेक्ट्रॉन्स को हमें बाहर की तरफ यदि हमें इसे एमिट कराना है तो 40 किलो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर अप्लाई करना पड़ेगा या एनर्जी इसको देना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा इससे प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें क्या होगा एमिट होगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो हमारा जो सेकेंड है हमारा E2 by SC इज इक्वल टू R alpha Z -1 का स्क्वायर एंड यहाँ 1 by 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, क्योंकि 1 है, एंड N2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 by इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास आएगा R alpha Z -1 का स्क्वायर इंटू 1, ये हमारे पास आ गया E2। E2 कितना हमारे पास 40 है SC। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कितना आ गया थर्ड। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू थर्ड हम डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड से थर्ड को हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा E1 by SC by E2। तो हमारे पास आ गया E1 by E2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू आया हमारे पास ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये थर्ड में देखें तो ये और कैंसिल, ये अब बचा हमारे पास 3 by 4। तो ये आ गया हमारे पास 3 by 4, क्योंकि यहाँ 1 है, तो अब यहाँ पास आया हमारे पास E1, हमें फाइंड करना है E1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 by 4 इंटू E2 कितना है 40 है, तो ये आ गया हमारे पास 3 10। अब यहाँ पास हमें किलो वोल्ट दिया हुआ है, किलो वोल्ट दिया हुआ है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, तो हमारे पास किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 10 1 2 3, तो यहाँ पास हमारे पास आ गया ये 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E1। तो हम देखते हैं हमें जो क्वेश्चन में गिवन था, जो पूछ रहा था, एनर्जी पूछ रही थी ना हमसे कि द एनर्जी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इज, यहाँ कितना आ गया 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। क्योंकि यहाँ पास हमारे पास आएगा, यहाँ हम देखें किलो में है, किलो में है, तो 3 आ जाएगा हमारे पास 3, तो हमारे पास आ गया 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम हमसे पूछा है कि शुड बी इलेक्ट इलेक्ट एक्सिलरेटिंग वोल्टेज शुड बी, तो एक्सिलरेटिंग वोल्टेज यदि हम निकालें शुड बी ग्रेटर देन, तो एक्सिलरेटिंग वोल्टेज हम निकालें तो यह आ जाएगा हमारे पास E2 by E। E2 कितना है, मैं हमें E2 कितना गिवन है, जो हमारे पास आया है E1, E1 आया है हमारे पास, तो E1 कितना है हमारे पास, यहां से देखते हैं ना हमें गिवन है ये E1 आया है 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह आ जाएगा हमारे पास 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो हमें जो एक्सीलरेटिंग वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 30,000 वोल्ट होना चाहिए। तो यहाँ 30,000 वोल्ट आ जाएगा, यहाँ 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यहाँ 30,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, यहाँ 30,000 वोल्ट आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।